अमरावती काँग्रेस शहर अल्पसंख्याक विभागाचे माजी अध्यक्ष एजाज पहलवान यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खडके यांना सडेतोड असे उत्तर दिले. पाहुयात काय म्हणतात एजाज अहमद. मैं काँग्रेस पूर्व अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष अमरावती मोहम्मद एजाज. आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा यह है, शहर के पश्चिमी क्षेत्र में जो विकास का भूमि पूजन चालू है और खास करके जो 5 फरवरी को हुआ, शनिवार को, पोस्टर बैनर से कांग्रेस के नेता गायब है और कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के पूर्व विधायक को कटाक्ष किया जा रहा है और वो भी कटाक्ष करने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं. उन्होंने कहा है कि 30 साल से इस माइनॉरिटी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ और इन्होंने आपके ऊपर राज किया है और माइनॉरिटी सिर्फ गट्ठा वोट कांग्रेस को देती है. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने 30 साल की बात की, मैं 1999 की बात करता हूँ. 1999 में वो विधायक बने, उसके बाद से क्या क्या विकास हुआ पूरा शहर जानता. और आज जो चित्रा टॉकी से वल्गा रोड का ब्रिज बना है वो भी उनकी देन है. और आपने एक चैलेंज किया कि 30 साल से मानेरी एरिया में आप घूम रहे, वो घूमे नहीं और आप 2 साल में उतना घूमे. जो रास्ते पे आप घूम रहे हो वो रास्ते की देन भी डॉक्टर साहब की है, आप ये भूल रहे हो. और आपको ऐसा लगता है कि आपकी शक्ल देखकर कांग्रेस ने आपको वोट दी, आपकी शक्ल देख के जनता ने वोट दिया, तो आप गलत है. आपको सिर्फ कांग्रेस को ही वोट दिए लोगों ने. आपने 2019 के पहले कभी मानेरी एरिया में जाकर भी नहीं देखा. 2019 में अगस्त में एंट्री मारे आपने और कांग्रेस की टिकट लिए, एक माइनॉरिटी की टिकट काट कर, और 2 महीने में आप आमदार बन गए अक्टूबर में. उसके पहले अगर आपने एक हैंडपम्प भी अगर उधर क्षेत्र में डाला होगा तो आप बताओ. आप डायरेक्ट कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकते और आगे से कोई भी कांग्रेस के निधि से काम होगा तो राष्ट्रवादी के कोई भी पदाधिकारी का बैनर पे हम फोटो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और हमारे नेता के ऊपर आप कटाक्ष करेंगे तो हमारी नाराजगी का सामना आपको करना पड़ेगा. आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप अपनी पार्टी का पूरी ईमानदारी से काम करो, लेकिन दूसरे के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते. अगर आप उंगली उठाएंगे तो आप पर भी उंगलियाँ उठेंगी, आप ये भूलना मत. और मैं कांग्रेसी हूँ, सच्चा कांग्रेस का कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा, आप ये भूलना मत. आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा